एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है, कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। वही कहानी है, ठीक है। अगर सिचुएशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले में, तो समझ लेना क्वाड्रेटिक वाला काम होना है, ठीक है। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है, तो वही करेंगे, डी चेक करेंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है तब तो पॉसिबल होगा, अगर लेस देन जीरो है तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर पॉसिबल होता है तो डिटरमाइन करो प्रेजेंट एजेस को भी। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। जो सम है एज, सम जो है टू फ्रेंड्स की एज का, वो कितना है, 20 ईयर्स है। और 4 ईयर एगो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं, बताओ जरा क्या कह रहा है ये यहाँ पर, कि 4 साल पहले जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का वो कितना था, 48 था। क्या इतनी क्लियर है कहानी? तो शुरू करते हैं, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं इनकी एजेस। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मान लेते दो है ना फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड की मान लेते हैं पहले, फर्स्ट फ्रेंड बी कितना मान लो बताओ, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स ईयर हो गई। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी कितनी मान लेते हैं, वाई ईयर मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है आपको, कह रहे द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो यानी कि दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है, 20 ईयर। तो यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 20। समझ रहे हो? अब यहाँ से देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा। देखो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। अभी ध्यान में रखना कि क्यों निकाल दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। देखो पहली बात है 4 ईयर एगो, इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस फोर और इसकी वाई माइनस फोर। जैसे मान लो आप 10 ईयर के हो अभी, ठीक है, या कोई बच्चा है 10 ईयर का है, ठीक है। तो 4 साल पहले वो कितना होगा, 10 में से क्या माइनस करोगे, 4 ही करोगे ना, कितने ईयर्स का होगा, 6 का। तो यहाँ तो प्रेजेंट एज हमें पता ही है, एक्स माननी हुई है, तो 4 साल पहले कितना होगा, एक्स माइनस फोर। ये बहुत बार डिस्कस भी हुई है कहानी, ठीक है। तो देखो जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर वो कह रहा है जो इनका प्रोडक्ट है वो 48 था 4 साल पहले। तो देखो ये की एज ये हो गई और एक की एज ये हो गई, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि एक्स माइनस फोर और वाई माइनस फोर कितना है, प्रोडक्ट इनका 48। समझ रहे हो? प्रोडक्ट मतलब ये ब्रैकेट में रखा हुआ ना मैंने, यहाँ ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या हम, देखो x माइनस फोर है और y की वैल्यू रखते हैं ये वाली 20 माइनस एक्स, यहाँ पर 20 माइनस एक्स रख दिया, ये माइनस फोर इक्वल टू 48। ये आ गया देखो x माइनस फोर और इधर 20 माइनस फोर करो जरा 16 माइनस का x इक्वल टू में 48। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस फोर को भी 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे होंगे ये सब? तो करो मल्टीप्लाई, 16 इंटू में एक्स, 16x माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस का 16 फोर था, जल्दी से बताओ जरा कितना होता है, 64। और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 4x इक्वल टू में 48। क्लियर हो रही है कहानी? अब देखो जरा यहाँ से 16x और 4x कितना हो गया, 20x और ये माइनस का एक्स स्क्वेयर है। और यहाँ से क्या करो, ये 48 है और ये माइनस 64 इधर जाके प्लस का 64। तो देखो 20x माइनस का एक्स स्क्वेयर और ये कितना हो गया, ये आपके पास 48 और 64 ऐड करो जरा, ये 112 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर वाली पहले रखते हैं टर्म, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर इधर और ये प्लस का 20x इधर और इक्वल टू से ये वैल्यू इधर जाएगी, तो माइनस का 112 इक्वल टू में 0। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से ले लो माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का 20x हो जाएगा और ये प्लस का 112 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और इक्वल टू ये 0, ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ मान लो माइनस 1 है, माइनस 1 इधर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगी टर्म इधर। तो मैं इस पर ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस में 112 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ये जो सिचुएशन बोल रहा है। तो कैसे करें वो डी चेक करते हैं हम, ठीक है। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। बी क्या है यहाँ पर, देखो ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की हो गई माइनस के 20 और सी की वैल्यू हो गई 112। तो देखते हैं, देखो डी की जो वैल्यू है ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू में ए है 1 और सी कितना है 112। तो देखो ये कितना हो जाएगा अब आपके पास, देखो माइनस 20 का स्क्वेयर है, माइनस 20 का स्क्वेयर करो जरा कितना बनेगा आपके पास, 400 बनेगा। और माइनस और इसको मल्टीप्लाई करो 112 को 4 से, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर माइनस का 48 आ रहा है। देखो इसमें तो क्या हो रहा है, डी माइनस में आ रहा है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये क्या है आपके पास, डी लेस है 0 से, 0 से कम होता है ना माइनस 48। तो लेस देन 0 में तो क्या होता है, कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट सो सिचुएशन
इज नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो, नॉट पॉसिबल। क्या इतनी बात कहानी क्लियर है या नहीं है? तो इसका आंसर तो नो में लिखोगे आप, तो यहाँ तो हमें पता चल ही गया कि ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है तो फिर हम प्रेजेंट एजेस कैसे निकालेंगे, निकल ही नहीं सकती हैं। ठीक है, क्लियर है कहानी या नहीं, समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे कि मैं क्यों कह रहा था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना हो जाता है जब आपको आर्टिटिक बना देते हो इसमें। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।